उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन एवं लखनऊ सराफा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में निराला नगर स्थित होटल रेगनेट में लखनऊ के सांसद एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सराफा जगत के उत्थान के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए जुगल किशोर ज्वेलर्स के कमल किशोर रस्तोगी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, विधायक उत्तर विधानसभा डॉक्टर नीरज बोरा, लखनऊ पूर्वी विधानसभा विधायक श्री आशुतोष टंडन, लखनऊ की मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, भाजपा नगर अध्यक्ष एवं MLC श्री मुकेश शर्मा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष श्री अभिषेक खरे सहित जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष पिठे एवं बुलनियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन दिल्ली के भी योगेश सिंगल उपस्थित रहे। इस मौके पर लखनऊ सराफा एसोसिएशन उपाध्यक्ष जुगल किशोर ज्वेलर्स के राजन रस्तोगी ने बताया कि प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार होने से आज सराफा कारोबारी निर्भीकता के साथ अपना व्यापार कर पा रहे हैं। साथ ही विगत दिनों में श्री राजनाथ सिंह जी के हस्तक्षेप से हॉलमार्क प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन और लखनऊ सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारीगण मिले और रक्षा मंत्री जी से अभूतपूर्व सहयोग से देश में सराफा जगत लाभान्वित हुआ और छोटे व्यापारियों को सुगमता से व्यापार करना संभव हो पाया है। इस दौरान पुणे सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष फतेह चंद राजा, GJC के डायरेक्टर आशीष पेड़े, दिल्ली सराफा एसोसिएशन के प्रधान योगेश सिंगल, उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र जैन, महामंत्री रविंद्र नाथ रस्तोगी, उपाध्यक्ष राजन रस्तोगी, संरक्षक कैलाश चंद जैन, सराफ प्रदेश संयोजक कैलाश अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कुमार जैन सराफा और संयुक्त संजय गुप्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गोरखपुर से आए सराफा व्यापारी पंकज गोयल जी ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पदाधिकारी, जिलाधिकारी, संयोजक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चैनल देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।